भाइयों और बहनों, आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। आज यहां झारखंड विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण और सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया है। राज्य बनने के लगभग 2 दशक बाद आज झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, ये भवन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां झारखंड के लोगों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाएगी। ये भवन लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए तीर्थ स्थान है। लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से झारखंड की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार होंगे। मैं चाहूंगा कि झारखंड के ओजस्वी, तेजस्वी और प्रतिभावान युवा नए विधानसभा भवन को देखने के लिए जरूर जाएं। जब भी मौका मिले, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद जाना चाहिए हम लोगों ने। साथियों, आपने इस बार संसद के सत्र को लेकर भी काफी कुछ सुना होगा, देखा होगा। जिस प्रकार से नई सरकार बनने के बाद, नई संसद बनने के बाद हमारी लोकसभा और राज्यसभा चली, उसको देख करके हिंदुस्तान के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान आई, खुशी हुई, आनंद हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस बार संसद का मानसून सत्र आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सत्र में से एक है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह मानसून सत्र में संसद के समय का सार्थक रूप से सदुपयोग हुआ। देर रात तक पार्लियामेंट चलती रही, घंटों तक बहस होती रही। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई और देश के लिए जरूरी कानून बनाए गए। साथियों, संसद के कामकाज का श्रेय सभी सांसदों, सभी राजनीतिक दलों और उनके सभी नेताओं को भी जाता है। मेरी तरफ से सभी सांसदों को बधाई, देशवासियों को बधाई।